अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। अच्छा, देखें, मैंने ये चिकन ब्रेड बनाई है। देखें, अंदर से चिकन है, चिकन डालिए, ब्रेड है, बहुत सॉफ्ट, बहुत नरम है। आप इसे बच्चों को भी खिलाइए, ख़ुद भी खाइए, बहुत अच्छी है ये चिकन ब्रेड। चलिए देखें हम किस तरह बनाते हैं। अच्छा, ब्रेड के लिए जो हम आटा गूंदेंगे, उसके लिए हमने लिया है आधा कप गरम दूध है, ये नीम गरम दूध, आधा टेबल स्पून नमक, 1.5 टेबल स्पून शक्कर, 2 टेबल स्पून, 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल है, और ईस्ट का 1 पैकेट है। ये पूरा डाल देंगे हम, सबको मिक्स करेंगे। दूध नीम गर्म लीजिएगा तो ईस्ट जो है जल्दी एक्टिव होती है। अच्छा, देखें, 5 मिनट मैंने इस तरह रखा है ईस्ट को। अब इसके बाद हम डाल देंगे ये, हम 2 कप मैदा, ये वाली कप है, इस कप से 2 कप मैदा डाल देंगे। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसमें शक्कर डालना ना चाहें तो शक्कर ऑप्शनल है। शक्कर इसलिए डालिए कि थोड़ी सी अच्छा जायका हो जाता है इसका, गून लेंगे इसे। ये देखें, बहुत अच्छा सा गंध आ गया ये। इसे थोड़ा और सेट करेंगे हम। अब इसे हम हाथ से सेट करेंगे। देखें, ये हो गया, ज़रा हाथ से हम इसे सही कर लें। रख देंगे इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए, इसे हम रख देंगे। अच्छा, ये बन में डालने के लिए मैंने ली है ये 1 पाव चिकन है। इसको मैंने उबाल के इस तरह मैंने इसका रेशा निकाल लिया है। तो चलिए देखें इसको किस तरह पकाते हैं। देखें, ब्रेड में डालने के लिए हमने पैन चढ़ाया है, इसमें चिकन बनाएंगे। इसमें लेंगे हम 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल डालेंगे, कुकिंग ऑयल। अब इसमें हम डाल देंगे ये चिकन, 1 टेबल स्पून, आधा टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ऑरेगनो, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर। सबको मिक्स करेंगे हम। मीडियम फ्लेम पे रखना है इसे। देखिए, चिकन मिक्स हुई है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक सॉस है, अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस हो तो वो डाल लीजिएगा। बहुत अच्छे से सबको मिक्स कर लेना। चिकन अच्छे से मिक्स हो गया सारी चीज़ें इसमें। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून मैदा, ये मैदे को हम थोड़ा भुनेंगे इसमें। थोड़ा भुन लिया इसे हमने। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून पानी, मैदे को घोल लेंगे, और सारी चिकन इसमें हम मिक्स कर देंगे ताकि चिकन इसमें चिपक जाए। तो फिर हम जब बन में फिलिंग करेंगे तो चिकन जो है अलग अलग नहीं होगी। लेकिन मैदे को थोड़ा भून लीजिएगा, या फिर पहले से भून के रख लीजिएगा मैदे को। चिकन बिल्कुल इस तरह हो गई है। अब इसे हम जब बन में डालेंगे तो बन के साथ चिपकी रहेगी, तैयार होगी फिलिंग के लिए। अच्छा, देखें, हमने आटा 1 घंटे बाद देखा है ये फूल गया अच्छा खासा। इसको आप गर्मी में रखेंगे तो जल्दी फूलेगा, तो इसकी जो गैस है वो हम निकाल लेते हैं। देखें, इसकी गैस हमने निकाल ली। देखें, देखें, हमने थोड़ी लंबी सी रोटी इसकी बेल ली है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे जरा, ये बड़े प्याले की। आपके पास कोई ऐसी बड़ा कटर हो या जिस साइज़ का भी आप चाहते हैं उसी साइज़ का आप काट लीजिएगा। ये मैं इसमें से 2 निकाल लूँगी। देखें, देखें, 2 रोटी निकल जाएगी इसमें से। अब इसको मैं काट लूँगी। ये देखें, इस तरह करके मैं नाइफ से इसको काट लूँगी। देखें, दोनों एक साइज़ के बना लिए मैंने। अब इसे हम करेंगे ये बेकिंग ट्रे लेके दोनों को हम रखेंगे इस तरह, दोनों बेकिंग ट्रे में रखा। अब इसके बाद ये जो आधा बचा हुआ था इसको हम, इसकी भी हम इसी तरह रोटी बनाएंगे और सेम इसी तरह हम काट लेंगे। ये देखें, मैंने एक और इस तरह की रोटी बेल ली है, इसकी भी मैं इसी तरह सेम सेम साइज़ की कटिंग करूँगी। अच्छा, देखें, मैंने 2 सेम साइज़ से काट लिए हैं। अब इसे मैं साइड में करती हूँ। और ये वाली जो हमने पहले की थी रोटी, हमने बनाई थी, अब इसको करेंगे ये, इस पे हम पहले लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस है,
इसमें लगा लेंगे। मैंने पिज़्ज़ा सॉस लिया है। अब ये जो चिकन मैंने बनाई थी, ये चिकन इसमें थोड़ी थोड़ी इन पे चिकन डाल दूँगी, थोड़ा फैला के डालूँगी। में चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इस तरह चिकन इसमें फैला दिए, इसको मैं हटाती हूँ। ये जो मैंने दो ये बनाए हैं, अब इनमें करूँगी ये देखें, इनमें मैं इस तरह कट लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से कट लगाऊंगी। ये देखें, इस तरह से मैंने कट लगाया है, गोलाई में हो जाएगा ये। इस पे कट लगाया ये दोनों पे। अब हम करेंगे ये कि इन दोनों के ऊपर हम इस तरह से चढ़ा देंगे, इस तरह से लगा देंगे और साइड साइड से ये हम दबा देंगे यूँ करके। देखिए ये दोनों इस तरह बने हैं। अभी से हम साइड में करते हैं। अब इसके कोने में लगाने के लिए हम पट्टी तैयार करेंगे। देखिए हमने कोने के लिए इसकी पट्टी काटेंगे और इसके कोने में लगाएंगे। इस तरह हम पट्टी काटेंगे, ये देखिए चार पट्टी हमने काटी है। इस तरह हम मिलाएंगे पट्टी को। एक दूसरे पे इस तरह चढ़ाएंगे, इस तरह पट्टी मिलाएंगे और इस तरह से हम इसको आपस में यूं कर लेंगे। देखें इस तरह की बन गई बड़ी सी पट्टी, इस तरह की होगी। अब इसे हम करेंगे ये इसके साइड पे लगाएंगे। देखिए इस तरह हम लगाएंगे इसके साइड पे। और भी बनाएंगे और लगाएंगे इसमें जोड़। ये देखिए मैंने इस तरह बना लगाया। अब ये बचा है, इस पे भी मैंने और दूसरा बना के लगाया है। ये देखिए कितना अच्छा सा ये बन गया है। ये देखें इसी तरह हम दूसरे का ही बना लेंगे। अच्छा देखें, मैंने अंडे की जर्दी ली है, ये लगा दूंगी इस पे, इस पे अच्छे से लगा दूंगी। देखें मैंने दोनों पे अंडे की जर्दी लगा ली है। अब ये सफ़ेद तिल है, सफ़ेद तिल मैं डाल दूंगी। ये पूरा मैंने डाल दिया। अभी इसे मैं रखूंगी 300 पे, मैं इसे 20 मिनट के लिए रखूंगी बेकिंग करने के लिए अवन में। देखिए मैंने अवन से निकाल लिए दोनों ब्रेड, बहुत अच्छी है। ये देखिए दोनों में चिकन भी अच्छे से लग रही है और चिकन ब्रेड ही है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कितनी सॉफ्ट है। देखें सॉफ्ट कितनी है, सॉफ्ट भी अच्छी है, चिकन भी है। अभी गर्म बहुत हो रही है, थोड़ी इसको ठंडी करके फिर हम खोलेंगे। देखें आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में बताइएगा कि ये चिकन ब्रेड की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।